वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री समीर पॉल के नेतृत्व में 31 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले 08 कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय वाराणसी के प्रेमचंद सभागार कक्ष में आयोजित एक सादे समारोह में उनके समापक धनराशि कुल 3,87,54,119 रुपये का भुगतान किया गया। इस अवसर पर मंडल वित्त प्रबंधक श्री एन.एन. पांडे, सहायक वित्त प्रबंधक श्री अरविंद पांडे, सहायक कार्मिक अधिकारी श्री रमेश उपाध्याय, सहायक मंडल कार्मिक अधिकारी श्री अनिरुद्ध प्रसाद समेत लेखा एवं कार्मिक विभाग के निरीक्षक भी कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर मंडल वित्त प्रबंधक श्री एन.एन. पांडे ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सकुशल सेवानिवृत्त होने की बधाई देते हुए कहा कि ट्रेन संचालन एवं प्रबंधन में रेलवे कर्मचारियों का महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि आप सभी स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम, योगाभ्यास आदि करें और अपने बचे हुए समय को सामाजिक एवं नैतिक दायित्वों की प्रतिपूर्ति करने में लगाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वाराणसी मंडल विगत वर्षों से सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को उनके सभी प्रकार के देयों का संपूर्ण भुगतान उनके सेवानिवृत्ति के दिन ही किया जाता है। यह लेखा एवं कार्मिक विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के परस्पर सामंजस्य एवं कठिन परिश्रम के फलस्वरूप संभव होता है। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक ने सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को सेवा मेडल प्रदान कर अग्रिम जीवन हेतु शुभकामनाएं दी और उनकी लंबी एवं उल्लेखनीय सेवाओं के लिए आभार प्रकट किया। इसके पूर्व सहायक कार्मिक अधिकारी श्री रमेश उपाध्याय ने सभी सेवानिवृत्त होने कर्मचारियों को माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए सहायक कार्मिक अधिकारी श्री रमेश उपाध्याय ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आई कार्ड, सेवा प्रमाण पत्र एवं पीटीओ संबंधी सभी दस्तावेजों के विषय में विस्तार से बतलाया और उनको समझाया कि वे अपनी प्राप्तियों का बहुत सोच समझ कर उपयोग करें। किसी व्यक्ति या संस्था के बहकावे अथवा भावनाओं में बहकर इसे अनुचित व्यक्ति को नहीं देंगे। उन्होंने बताया, बहुत से लोग ऐसे अवसरों की तलाश में रहते हैं और तरह तरह के प्रलोभन देकर धन फंसा देते हैं। सतर्क रहें, यह आपके जीवन की पूंजी है। बहुत आवश्यक हो तभी खर्च करें, यथा संभव अपनी प्राप्तियों को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि आप सभी ने अपने जीवन का एक लंबा समय रेलवे को दिया है। आपके अनुभव से हम आगे भी लाभ उठाते रहेंगे। आपको जब भी समस्या हो आप मिल सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 31 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले 8 कर्मचारियों में सर्व श्री चंद्रदेव यादव हमाल, श्री विनय कुमार स्टेशन अधीक्षक, श्री विजय कुमार यादव ट्रेन मैनेजर, श्री कृष्ण राम ट्रेन मैनेजर, श्री उमेश चंद्र यादव वरिष्ठ टेक्नीशियन, श्री धनंजय सिंह सीनियर सेक्शन इंजीनियर, श्री दिलीप कुमार सफाई वाला, श्री हवलदार यादव ट्रैक मेंटेनर आदि कर्मचारी शामिल थे।